तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके वहम है, जो निकाल दें किसी तरह से ना खान साहब को, उनकी फैमिली को, किसी बंदे को ये तोड़ नहीं सकते। और उनके जो खान साहब को जो सपोर्ट करता है, पूरा पाकिस्तान जो है उनके साथ खड़ा है, किसी एक बंदे को ये तोड़ नहीं सकते। फिजिकली तौर पर किसी को अगवा करके ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करवाई जा रही हैं और करवाई जाती हैं, लेकिन वो जो मेंटली तौर पर एक राज जो है खान साहब का, वो पाकिस्तान अवाम के दिलों पे राज करते हैं और वो किसी तरह से ये राज ख़त्म नहीं कर सकते। और आगे से सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाएगा सुपरिटेंडेंट की तरफ से, क्योंकि ये खान साहब की तस्वीर से भी डरते हैं, ये खान साहब की वीडियो से भी डरते हैं कि वो अगर पेश होंगे तो वो फिर काबू नहीं हो पाएंगे। तो इस ख़तरे की वजह से कभी जो है वो कोई बहाना बनाया जाता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, और कभी ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं। और हालांकि जब हम कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, उस वक्त जो है वारंट निकाले जाते थे कि उनको पेश किया जाए, और आपको पता है कि 26 घंटे ऑपरेशन जो है उन वारंट्स की वजह से जमान पार के अंदर हुआ, और कितना नुकसान हुआ, लोग जो हैं उसके अंदर शहीद हुए, क्या क्या हुआ। दूसरे नंबर पर आज बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक जो मुकदमा जो है दर्ज किया गया था, कंप्लेंट फाइल की गई थी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी समाअत थी। उसमें हमने जो है वो आज आर्गूमेंट्स के लिए भरपूर पुश करने की कोशिश की कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज ये कहा गया कि पहले जो है ये करें या हमें थोड़ा टाइम दिया जाए जी, और हम फिर तैयार हो के आएँगे और फिर जो है वो इसके ऊपर जो है आर्गूमेंट्स करेंगे। और खान साहब के ऊपर ये वो मुकदमात थे जो आज जिनमें हम पेश हुए हैं। 25 मई को आपको पता है एक आज़ादी मार्च, पीसफुल प्रोटेस्ट था, और उसके ऊपर एक दिन में 19 FIRs दर्ज कर दी गई, और अभी तक वो जो मामला है वो अभी तक कोर्ट में चल रहा है। आज हमने दरख्वास्त दी है शेख रशीद साहब की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, उनको अदालत में लाया जाए, फेयर ट्रायल जो आइन का आर्टिकल 10A है वो वाज़ह तौर पर आइने पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्शन देता है, तो उसकी रोशनी में हर शहरी का जो पाकिस्तान का है उसका हक है और वो दिए जाना चाहिए। उसके ऊपर मौजूद अदालत को हमने ये सदा की कि हमने ये दरख्वास्तें दीगर कोर्ट्स में भी दी, और हुआ क्या हुआ, ये कि उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट जेल से जवाब तलब कर लिया गया। तो आज इसमें भी जवाब न तलब किया जाए बल्कि प्रोड्यूस किया जाए। मौजूद अदालत को ये बताया कि ये इस वजह से प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लिहाजा वो केस मंडे के लिए अडजन हुआ है। आप सबको पता है कि खान साहब के ऊपर केसेस बना के ये खान साहब को तोड़ नहीं सके, और अब यानी कि ये सिलसिला जो है उनकी बहनों, उनके घर के तक, उनकी वाइफ तक, उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं और उनके ऊपर जो है वो कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं। कभी उनको कहीं पेश किया जाता है, कभी FIA नोटिस दे रही है, सिर्फ और सिर्फ हिरासा किया जा रहा है, कभी डायरी वाला किस्सा निकाला जाता है, और कभी जो है इद्दत के दौरान जो है वो निकाह का जो है वो एक झूठा सा केस जो है वो फाइल किया जाता है। तो ये सारी एक ऐसी टैक्ट, और आगे से सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाएगा सुपरिटेंडेंट की तरफ से, क्योंकि ये खान साहब की तस्वीर से भी डरते हैं, ये खान साहब की वीडियो से भी डरते हैं कि वो अगर पेश होंगे तो वो फिर काबू नहीं हो पाएंगे। तो इस ख़तरे की वजह से कभी जो है वो कोई बहाना बनाया जाता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, और कभी ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं। और हालांकि जब हम कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, उस वक्त जो है वारंट निकाले जाते थे कि उनको पेश किया जाए, और आपको पता है कि 26 घंटे ऑपरेशन जो है उन वारंट्स की वजह से जमान पार के अंदर हुआ, और कितना नुकसान हुआ, लोग जो हैं उसके अंदर शहीद हुए, क्या क्या हुआ। दूसरे नंबर पर आज बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक जो मुकदमा जो है दर्ज किया गया था, कंप्लेंट फाइल की गई थी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी समाअत थी। उसमें हमने जो है वो आज आर्गूमेंट्स के लिए भरपूर पुश करने की कोशिश की कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज ये कहा गया कि पहले जो है ये करें या हमें थोड़ा टाइम दिया जाए जी, और हम फिर तैयार हो के आएँगे और फिर
जो है वो इसके ऊपर जो है आर्गूमेंट्स करेंगे। एक्ट्रेस हैं जिनसे ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके वहम है जो निकाल दें, किसी तरह से ना खान साहब को, उनकी फैमिली को, किसी बंदे को ये तोड़ नहीं सकते। और उनके जो खान साहब को जो सपोर्ट करता है, पूरा पाकिस्तान जो है उनके साथ खड़ा है, किसी एक बंदे को ये तोड़ नहीं सकते। फिजिकली तौर पर किसी को अगवा करके ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करवाई जा रही हैं और करवाई जाती हैं, लेकिन वो जो मेंटली तौर पर एक राज जो है खान साहब का, वो पाकिस्तान अवाम के दिलों पर राज करते हैं और वो किसी तरह से ये राज ख़त्म नहीं कर सकते। और आगे से सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाएगा सुपरिटेंडेंट की तरफ से, क्योंकि ये खान साहब की तस्वीर से भी डरते हैं, ये खान साहब की वीडियो से भी डरते हैं कि वो अगर पेश होंगे तो वो फिर काबू नहीं हो पाएंगे। तो इस खतरे की वजह से कभी जो है वो कोई बहाना बनाया जाता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, और कभी ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं। और हालांकि जब हम कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, उस वक्त जो है वरंट निकाले जाते थे कि उनको पेश किया जाए, और आपको पता है कि 26 घंटे ऑपरेशन जो है उन वारंट्स की वजह से जमान पार्क के अंदर हुआ, और कितना नुकसान हुआ, लोग जो हैं उसके अंदर शहीद हुए, क्या क्या हुआ। दूसरे नंबर पर आज बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक जो मुकदमा जो है दर्ज किया गया था, कंप्लेंट फाइल की गई थी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी समाअत थी। उसमें हमने जो है वो आज आर्गूमेंट्स के लिए भरपूर पुश करने की कोशिश की कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज ये कहा गया कि पहले जो है ये करें या हमें थोड़ा टाइम दिया जाए जी, और हम फिर तैयार हो के आएँगे और फिर जो है वो इसके ऊपर जो है आर्गूमेंट्स करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये इस्तदा कर दूँ कि हमारी मुख्तलिफ दरख्वास्तें हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। हम ये मुतालबा करते हैं, इस्तदा करते हैं कि वहाँ पर दरख्वास्तें तमाम जो हैं वो फिक्स होनी चाहिए। वो कौन कौन सी दरख्वास्तें हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। एक हमने क्वेश्चनमेंट फाइल की हुई है साइफर केस के अंदर, जिसके ऊपर अभी फैसला नहीं हो रहा, और हमने बेल फाइल की हुई है साइफर केस के अंदर, उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। उसके साथ साथ हमने तोशाखाना जो केस है, जो जिसमें सज़ा हुई है खान साहब को, उस सज़ा की अपील पेंडिंग है, वो फिक्स होनी चाहिए और उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर और जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो नीचे डिसीजन आया था, उसको चैलेंज किया गया था, वो अभी तक पेंडिंग है। खान साहब की प्रोटेक्शन हमने मांगी है कि किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, वो अभी पेंडिंग है। उसके साथ साथ और ऐसी दरख्वास्तें, जैसा कि आपको पता है कि अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से, महफूज खाने के हवाले से, डॉक्टर की एक्सेस के हवाले से, सारी पेंडिंग्स हैं, उन तमाम के ऊपर फैसला होना चाहिए। आईने पाकिस्तान फेयर ट्रायल का हक देता है और उन्हें इंसाफ देना चाहिए। इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होंगे जो कि उनकी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, उनके ऊपर समाअत होगी और फैसला होगा। जी कोई सवाल जी? चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।